व्यूअर्स माई नेम इज ख्वाजा मुनीब एंड आई एम द ऑफ मुनीब मोबाइल बेसिकली मैं एक मोबाइल फ़ोन का बिजनेस रन कर रहा हूँ क्रीम ब्लॉक मार्केट के अंदर मुनीब मोबाइल के नाम से और आज मैं आप सबको ये बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन बिजनेस जो है वो कैसे रन किया जाता है मैंने बी बी ऑनर्स और एम बी ए दोनों जो डिग्रीज हैं वो नमक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की हैं विद गुड सी जी पी एक हर माँ बाप का एक होता है कि जो है ना आपने इतना पढ़ा है तो आप जो है ना वो जो बिज़नेस करें बिजनेस ना करें पहले एक जॉब में जो है ना कुछ अर्न किया है तो आपने जो है ना कुछ जॉब करें मैंने डिफरेंट uh, जॉब्स जो है ना वो स्टार्ट की बेसिक जिसमें डिफरेंट बैंक्स आ जाते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लेकिन वहाँ से कुछ अच्छा फीडबैक नहीं मिला क्योंकि मैं ये सोचता था कि जब मैंने इनको कमा के देना है तो मैं खुद क्यों नहीं कोई बिजनेस रन कर सकता मैं ये uh, आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन का जो बिज़नेस है इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन इसकी आउटपुट या प्रॉफिट जो है ना वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू देर इन्वेस्टमेंट तो इस हिसाब से अगर कोई भी बंदा मोबाइल फोन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उस हिसाब से आपको जो है इसमें जो है ना तकरीबन तो फोर तो टू फाइव मिलियन जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी यानी कि अगर किसी बंदे ने चालीस लाख रुपया किसी बिजनेस में लगाया है तो उसका आउटपुट जो है ना उसको अच्छी सूरत में मिल जाएगा इसके लिए जो है वो आपको जो है ना बिजनेस के अंदर अपनी पीआर क्रिएट करनी पड़ती है आप जब अपना एक पीआर किसी भी बिजनेस के अंदर बनाते हैं अपने पर्सनल रिलेशंस के थ्रू जो है ना वो सब बिजनेस को रन कर सकते हैं बिजनेस का फॉर्मेट बिजनेस का जो मॉडल है मोबाइल के बिजनेस में भी सेम है जैसे कि डिफरेंट बिजनेसिस में होता है उसमें जो है ना इसमें बस एडिशन ये है कि जो है ना इस काम के लिए आपको इस काम को थोड़ा सा मोबाइल डिवाइसेस के बारे में उसकी स्पेसिफिकेशंस उनकी रेट्स वगैरह सारी जो है ना उसके बारे में आपको नॉलेज क्रिएट अपना जो है ना नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है मोबाइल फोन के बिज़नेस के अंदर जो है वो जो है ना एक्सपीरियंस एज सच इतना नहीं चाहिए होता लेकिन नॉलेज ज़्यादा चाहिए होती है तो जब आप मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस रन करते हैं तो डिफरेंट कंपनीज जो है वो आपको जो है ना वो अपना स्टॉक जो है ना प्रोवाइड करती हैं उसके अलावा आप जो है ना एक्सेसरीज़ के अंदर भी आ सकते हैं डिफरेंट एक्सेसरीज़ हैं मोबाइल फ़ोन की जिसमें उसके पाउचे आ जाते हैं उसके प्रोटेक्टर्स आ जाते हैं हैंड फ्रीज चार्जर्स डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरे लिए बहुत चैलेंजेस थे जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो जो है वो हर बंदा ये कहता था कि एम करके बी करके ग्रेजुएट बंदा जो है ना वो एक मोबाइल फ़ोन की जो है ना वो शॉप करने आ गया तो उस हिसाब से काफ़ी चैलेंजेस का सामना था बेसिकली ये बिज़नेस फाइव इयर्स पहले मैंने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे टोटली सैटिसफाइड हूँ इसके प्रॉफिट से मेरी जॉब से अगर आप कहें पाँच गुना भी फाइव टाइम्स जो है ना मेरा प्रॉफिट जो है ना वो इंक्रीज कर गया और उस हिसाब से जो है वो डिफरेंट जो है ना वो आपकी रिलेशन डिफरेंट पार्टीज़ के साथ मिलना आई एम द ऑनर ऑफ दिस शॉप तो ये भी एक जो फीलिंग है ये भी इंसान को जो है ना वो uh, सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है इंसान के लिए बिज़नेस की लोकेशन की कि मैंने बिजनेस लोकेशन क्यों क्रीम ब्लॉक चूज़ की उसको चूज़ करने का जो है वो मकसद ये था कि बेसिकली मेरी फैमिली में जो डिफरेंट कज़न् वगैरह जो है वो इस मार्केट में पहले से इन है उसके अलावा जो है वो सक्सेसफुली बाइक की सपोर्ट थी कि बाइक की शॉप भी पास है तो उस वजह से जो है ना काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी जो है ना वो उससे हेल्प मिली मुझे अगर इस बिजनेस में अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की तो ग्रॉस प्रॉफिट जो इस बिज़नेस में है वो अगर आप हाई लेवल पे यानी कि अगर एक 40 लाख रुपए से काम शुरू करते हैं तो उसमें प्रॉफिट्स की जो रेशियो है वो तकरीबन 4 लाख तक चले जाती है लेकिन अगर आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ या 2 मिलियन के साथ 1.5 मिलियन के साथ अगर आते हैं तो इस बिज़नेस में जो आपकी प्रॉफिट रेशो है वो दो लाख रुपये तक जा सकती है फर्स्ट ईयर के अंदर जो है आप अपने एक्सपेंसेस बेयर करते हैं ब्रेक इवन तेकर इस बिजनेस को लेके जाते हैं की में मैंने आपको बता दी है कि इन्वेस्टमेंट फोर फोर मिलियन तक अगर आपके पास हो तो आप एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं रिटेल में उसके प्रॉफिट्स भी फिर जो है ना इसी तरह जो है ना ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे आप टू लैख टू फिफ्टी जो है ना उसके करीब जो है ना वो अपना प्रॉफिट जो है ना वो सर्वाइव कर जाते हैं इनिशियल स्टेज पे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पहले आप ब्रेक इवन पे जाते हैं और उसके बाद जो है ना प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाते हैं जो बैक एंड सपोर्ट है इस बिजनेस के अंदर वो यूज मोबाइल्स भी हैं और आपकी एक्सेसरीज भी हैं जो कि आपको मोबाइल फोन रन बिजनेस रन करने के लिए जो है सपोर्ट करती हैं किसी भी बिजनेस के अंदर तो इस हिसाब से मेरा मशवरा यही है कि जो भी लोग इस बिजनेस में इन होना चाहते हैं जो भी फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं वो इस बिजनेस तरफ जो जो है है वो जरूर सोचें और इसको लेकर आगे चलें क्योंकि इसमें ना आपकी जो प्रॉफिट्स भी हैं और इसके अलावा आपकी जो ग्रोथ है वो मेच्योरिटी काफी जल्दी जो है ना आप मीट कर सकते हैं अगर बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो मोबाइल फोन के बिजनेस के अंदर दो बिजनेस मॉडल्स हैं एक होलसेल का मॉडल और एक रिटेल का मॉडल जो होलसेल का मॉडल है उसमें एज कम्पेयर टू रिटेल मॉडल जो है आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है ना वो ज्यादा होती है लेकिन होलसेल मॉडल में बेनिफिट ये है कि जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ तो कैश पर है या नियर टू कैश है यानी कि आपके अंदर जो है ना क्रेडिट जो है वो ज़्यादा देर के लिए नहीं करना पड़ता है लेकिन अगर आप रिटेल मॉडल की बात कीजिए तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज़्यादा है लेकिन इसके अंदर जो है आपके जो क्रेडिट uh, के जो टर्म्स है वो ज़्यादा होती हैं क्योंकि आपको जो है ना हर बंदे के साथ आप हर बंद आपको रूटीन में जो है वो डिफरेंट बंदों के साथ जो है ना वो इंटरेक्ट करना पड़ता है हर तरह का बंदा आपसे मिलने आता है और आपको क्रेडिट्स भी ज़्यादा करने पड़ते हैं और जब आप ऐसे करते हैं तो इसकी वजह से जो है ना रिटेल का बेनिफिट भी है और लॉस भी है और होलसेल में भी इसी तरह का ही है तो मोबाइल फ़ोन के बिज़नेस में इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ कि इसमें जो है ना जो है ना बेसिक जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसमें यह क्या ईजी टू इस्टेब्लिश है उसके अलावा आपको जो है ना जो है ना मार्केट में जो है ना सपोर्ट मिलती है आप जितना किसी के लिए फेवर करते हैं आपको जो है ना उतनी फेवर जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं दूसरा प्रॉफिट्स अच्छे हैं इसमें जो चैलेंजेस अगर आप देखें इसके बिज़नेस के अंदर तो उसमें यही है कि जो बिज़नेस ग्रेजुएट्स होते हैं जो भी ग्रेजुएट्स या फ्रेशली जो बंदा काम करना चाहता है उसके बाद इन्वेस्टमेंट कम होती है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता तो उसको भी कवरअप किया इस तरह किया जा सकता है कि आप फर्स्ट में जो है ना वो आप जो है ना किसी छोटे पैमाने पर काम शुरू करें और उसके बाद जो है ना आप इसको हाई लेवल तक ले जाए और जो है इन्वेस्टमेंट का इशू आ जाता है उसके अलावा जो है वो इसमें जो है ना नॉलेज नहीं होती बंदे के पास कि यार अगर कोई बिजनेस में स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं जिस ना डिफरेंट फ़ोनस है सैमसंग सवावे डिफरेंट ओपो वीवो जितनी भी कंपनीज़ हैं उनकी जो है वो आपको स्पेसिफिकेशनस या रेट्स वगैरह का जो है ना वो इशू आता है लेकिन अगर बंदा इसके लिए अपना होमवर्क कम्प्लीट करे एक दफ़ा उसकी बार सारी स्पेसिफिकेशन को मेमोराइज़ कर ले तो उस हिसाब से जो है ना वो सक्सीड के चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं देखें बिजनेस जो है वो हर बंदा ही करता है लेकिन मैं एक डिग्री लेकर इस बिजनेस में जब ए, ए, स्टार्ट जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मुझे इसमें एक अपनी डिग्री का एज मिला जो चीज़ें जो थ्योरीज मैंने अपनी डिग्री के अंदर पढ़ी थी उनको मैं प्रैक्टिकली अपने बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को बाकी जो शॉपकीपर्स हैं उनके साथ डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ क्योंकि जो बिजनेस मॉडल्स मुझे वहाँ पर सिखाए गए थे मैं उनको जो है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहा हूँ अपने बिजनेस के अंदर तो जो भी बिज़नेस ग्रेजुएट्स हैं उन वो अगर अपनी स्टडीज़ को अपने बिज़नेस में इंप्लीमेंट करेंगे तो वो जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं और अपनी बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो डे बाय डे ज़्यादा बेहतर तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं एज compared to the other shopkeepers.